आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मैं भजन गायक रंजन बाबा, गया जिला डुमरिया क्षेत्र से। मैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, खास तौर से परी म्यूजिक इमामगंज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि परी म्यूजिक से लगभग मेरा 15 एल्बम रिलीज है और काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किया है। उसमें खास तौर से 2 एल्बम जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है परी म्यूजिक को और मुझे भी। एक एल्बम का नाम है बेटा हिंदुस्तान का और दूसरा राधा तेरा नाम। ये 2 एल्बम जो है बहुत ही हिटेड पॉइंट पे गया है और अभी मैं आपसे मैं कुछ लोग से मुलाकात करवाना चाहूँगा। बहुत उनका सपोर्ट है, यदि शायद उनका सपोर्ट हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद हमारा गाना चर्चित नहीं होता, हमारा भजन चर्चित नहीं होता। हमारे सबसे बड़े सहयोगी इस परी म्यूजिक के ऑर्गेनाइजर, मालिक बोलिए, उनको गुरु बोलिए, जो भी बोलिए, हमारे लिए बहुत ही मेहनत का काम किए हैं और हम मिलवाना चाहेंगे इस हमारे बालकेश्वर अलवेला जी से। ये हमारे बहुत ही करीबी दिल के रहने वाले हैं और इनके सपोर्ट से और ये परी म्यूजिक के सपोर्ट से हमने भजन को गाया है। और इस अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज का मार्केटिंग मैनेजर हमारे अनिल अलवेला जी, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। खास अगर ये मार्केटिंग हमारे गाने का नहीं करते तो काश मैं आज यहाँ तक नहीं होता। और हमारे एक छोटे भाई हैं, राइटर भी हैं और गायक भी हैं, हमारे धर्मेंद्र जी जो चंडी स्थान से घाटी से चल कर आए हैं, और इनके सहयोगी हमारे गायक छोटे भाई मंटू जी, इन सबों का सहयोग हर वक्त मिलता रहता है। ऐसे कंपनी का सबसे मुख्य सिंगर के रूप में जो भोजपुरी संगीत को गाते हैं केतारी लाल जी, मैं उनका गाना तो बेहद सुनता हूँ और बड़े अच्छे अंदाज में गाते हैं, उनका ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी इस स्टूडियो में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन उनसे भी भेंट करने का अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि जाकर उनसे ही मुलाकात हो। और अगला भजन जो आ रहा है हमारा, मैं लाइव तो नहीं बता पाऊँगा इसे, क्योंकि भाई आजकल गाने भी बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो जा रहे हैं, इसलिए कुछ भजन का जो है कलेक्शन मेरे पास है जो मैं गुनगुनाना चाहूँगा और उसके बाद मैं अगली आवाज़ देना चाहूँगा इस हमारे कंपनी का ऑर्गेनाइजर जो हमारे बालकेश्वर अलवेला जी हैं। उससे पहले जो है एक गीत गुनगुनाता हूँ, यदि अच्छा लगे तो आप लोगों का सपोर्ट। गुनगुनाने से पहले कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मार्केट में बहुत नाम है और नाम हमने सुना भी है और हमारे जितने भी यहाँ पे अनुभवी कलाकार और हमारे कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर अनिल अलवेला जी उपलब्ध हैं, ये भी आपको जानते भी अच्छा खासा से, और आपका बहुत दूर दूर तक गाना गूंजा है और लाखों के बीच में बजा है। तो मैं ये बहुत स्टूडियो में यहाँ से आप पटना, कलकत्ता से लेकर दिल्ली, बम्बई तक काफी सफर किए और ये भी हम लोग देखे फेसबुक का माध्यम से, गाना के माध्यम से उनका। ये हमारा छोटा कुटिया अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसा आपका आकर यहाँ महसूस लगा, कैसा लगा? हमको बस यही समझ लीजिए कि अलवेला जी, बस ये समझ लीजिए कि कहावत है ना कि गोदरी में लाल छुपा हुआ है, बस आप उस लाल हीरा मोती हैं इस क्षेत्र का। और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि छोटा सा इमामगंज क्षेत्र में आप इतना अच्छा बेहतर से बेहतर काम करेंगे और हमारे जैसे कलाकार, और हम क्या हैं, सब जनता है, हमारे श्रोता हैं, श्रोता जब चाहे जिसको उठा दे, श्रोता जब चाहे जिसको गिरा दे। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अलवेला म्यूजिक से उठ करके हम मुंबई तक का सफर किए हैं, हमारा 2 फिल्म आ रहा है आपके बीच, एक भोजपुरी में एक हिंदी में। भोजपुरी फिल्म का नाम है मच गई गदर प्यार में, जो आप देखेंगे रंजन बाबा के नाम से फेसबुक अकाउंट है, सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, सारा फुटेज शूटिंग का है। दूसरा हिंदी जो फिल्म है सर जी, उसका नाम है रेनबो, भी बन के रेडी है, उसमें हमारे सुपर स्टार हिंदी फिल्म अभिनेता अली खान साहब ने भी काम किया, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे गीत संगीत हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल है, लगभग 20 साल स्ट्रगल हमने किया है और अभी भी स्ट्रगल जारी है। जितने भी छोटे छोटे सिंगर हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेहनत करने से कभी दोस्त पीछे मत हटना, क्योंकि ये जनता कभी कुछ भी आपको दिखा सकती है। तो 2 लाइन सुनाने से पहले मैं अपने दर्शकों से बता दूं, जो हमारे परी म्यूजिक प्रेजेंट के बैनर तले देख रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हमारे बाबा हैं और हमारे सामाजिक एक तरह से बहुत पुराना गुरु का सम्मान इनका करते हैं और ये भी मेरा मान सम्मान में बहुत कमी नहीं करते हैं, जब भी इनका याद करते हैं तो दौड़ दौड़ चलाते हैं, बस इनका प्यार है, आप लोग का प्यार है। अगर इनका गाना कुछ दिन बाद, मैं कोई समय अपडेट आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, बाद आएगा इनका गाना, अगर आप लोग का अच्छा लगेगा तो प्लीज
छोटा सा रिक्वेस्ट जो अलविदा जी हमेशा करते हो, करना नहीं भूलिएगा। ठीक है बाबा, आगे थोड़ा सा एक बार सुना दिए दर्शकों को। आइए एक छोटा सा भजन, और खास तौर से हम भजन स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे गाने के तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन भजन गाने में जो आनंद हमें मिलता है और दूसरे किसी को गाने में आनंद नहीं मिलता। अभी बहुत दिन से ये अलविदा सर कह रहे कि कुछ मगही आपका भाषा है, मगही में कुछ गीत को डाला जाए, तो आने वाले समय में आप लोगों को मैं अपने आवाज में मगही गीत भी सुनाऊंगा। लेकिन आइए एक भजन का छोटी सी टुकड़ा तो आपको सुनाता हूँ। मेरे नैनों में, बस गयो सा मेरे नैनों में, बस गयो सा सखीरी मैं तो हुई बदनाम, सखीरी मैं तो हुई बदनाम। बाकी छवि मेरो बाके बिहारी, मैं तो फिरी जगे मारी मारी, मैं तो फिरी जगे मारी मारी। अब आए ना आए ना, अब आए ना दूजा कोई काम, सखीरी मैं तो हुई बदनाम, सखीरी मैं तो हुई बदनाम। मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, हाँ मेरे नैनन में बस गयो शाम, सखीरी मैं तो हुई बदनाम, सखीरी मैं तो हुई बदनाम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।